सो फाइनली दोस्तों, अपनी इंडियन बेस्ट ड्राइंग 3D गेम में निसान GTR कार में RGB कलर को ऐड कर दिया गया है। अब आप सभी अपने गेम में निसान GTR कार को भी RGB कलर में कस्टमाइज कर सकेंगे। तो RGB कलर में अपने गेम में निसान GTR कार कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो आप सभी को अभी तक अपने गेम में इस निसान GTR कार का चीट कोड नहीं मिला है, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को इस निसान GTR कार का चीट कोड बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, अपने गेम में ये न्यू थार मोनस्टर ट्रक को आप सभी कैसे ले सकते हैं, इसका सीक्रेट चीट कोड भी आप सभी को शेयर करने वाला हूं। और साथ में आपको बताने वाला हूं आप सभी अपने गेम में इस ड्रैगन डायनो को कैसे ले सकते हैं जो कि फ्लाई होने वाला है, इसका चीट कोड क्या होने वाला है, ये भी आप सभी को बताने वाला हूं। आप सभी अपने दोस्तों के साथ इस गेम को मल्टीप्लेयर मोड में कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे प्लेइंग कर सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। और अपने गेम के आने वाले न्यू अपडेट में कौन कौन से न्यू एनिमल्स मिलने वाले हैं, उनकी भी आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यार सा लाइक कर दो, चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों निसान GTR कार अपडेट के बारे में, इसका चीट कोड क्या होने वाला है, इसको आप अपने गेम में कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, राइडिंग ड्राइविंग कैसे कर सकते हैं, आप सभी को मैं कंप्लीट बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप सभी काफी दिनों से कमेंट कर रहे थे निसान GTR कार को ऐड करो, निसान कार को ऐड करो। तो आपकी काफी ज्यादा कमेंट होने की वजह से फाइनली अपनी इंडियन बेस्ट ड्राइंग 3D गेम में अब निसान GTR कार को ऐड कर दिया गया है, जो कि अपने गेम में कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगी। आप सभी देख सकते हैं निसान GTR कार का इंटीरियर व्यू हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। और अपने गेम में इस निसान GTR कार का क्या क्या हम कस्टमाइज कर सकते हैं तो आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसका हम कलर कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि अदर कार्स का हम कलर कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस निसान GTR कार का भी हम कलर कस्टमाइज कर सकेंगे। और बात करें इसके कंट्रोल्स के बारे में तो दोस्तों इसके कंट्रोल्स अच्छी तरीके से वर्किंग करते हैं, राइडिंग ड्राइविंग काफी रियलिस्टिक फील होता है, आप सभी देख सकते हैं। और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी काफी अच्छी टॉप स्पीड भी होने वाली है और कंट्रोल्स भी काफी अच्छी तरीके से वर्किंग करते हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक फील होता है इसको राइडिंग ड्राइविंग करते समय। और बात करें दोस्तों इस निसान GTR कार का चीट कोड क्या होने वाला है, उससे पहले बात कर लेते हैं अपने गेम के और अपडेट में कौन कौन सी आपको कार मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी और कार को सिलेक्ट नहीं किया गया है, तो आप अपने गेम के आने वाले न्यू अपडेट में और कौन सी न्यू कार को ऐड करवाना चाहते हैं, जैसे कि BMW कार, न्यू ओडी कार, न्यू रोल्स रॉयस कार, और आपकी जो कोई फेवरेट कार हो उसकी कमेंट करो जिसको आप ऐड करवाना चाहते हैं। अब आप सभी को बताने वाला हूँ अपने गेम के आने वाले न्यू अपडेट में कौन कौन सी न्यू बाइक मिलने वाली है आप सभी को। तो दोस्तों अपने गेम में जो ZX10R बाइक देखने को मिलती है उसका चीट कोड 400 है, आप सभी को पता होगा। जैसे हम टाइप करके डायल करते हैं हमें अपने गेम में कुछ इस प्रकार से ZX10R स्पॉन हो जाती है। तो दोस्तों अब न्यू अपडेट में आप सभी को न्यू ZX10R बाइक मिलेगी, जो कि ओल्ड वाली है उसका रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। अब आप सभी कमेंट कर दो दोस्तों, जो अपने गेम में ओल्ड वाली ZX10R बाइक है उसको रिमूव किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप रिमूव करवाना चाहते हैं तो कॉमेंट कर दो यस रिमूव, अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो नो रिमूव कॉमेंट कर दो। और इस ZX10R बाइक के अलावा हमें अपने गेम के न्यू अपडेट में और न्यू बाइक भी मिलने वाली है, लेकिन अभी सेलेक्ट नहीं किया गया है कि कौन सी बाइक को न्यू अपडेट में ऐड किया जाना चाहिए। तो आप सभी कमेंट कर दो जो आप ऐड करवाना चाहते हैं न्यू अपडेट में, कोई बाइक हो जो अभी तक अपने गेम के अंदर ऐड नहीं की गई है तो उसको ऐड करवाना चाहते हैं, तो उसकी सबसे ज्यादा कमेंट कर दो। अच्छी कमेंट और अच्छी डिमांड रहेगी तो आने वाले अपडेट में आप सभी को वो बाइक भी मिल जाएगी जिसकी आप कॉमेंट करने वाले हो। दोस्तों अब आप सभी को बताने वाला हूँ आप सभी न्यू थार का न्यू मोनस्टर ट्रक को कैसे ले सकेंगे, इसका चीट कोड क्या होने वाला है, जो कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों आप सभी को मैं बताने वाला हूँ आप सभी अपने गेम में जो हमें बोट देखने को मिली है उसको इस जगह पे कैसे स्विंग कर सकते हैं, आप सभी अपने गेम की सिटी के अंडरग्राउंड में बोट को स्विंग कैसे कर सकते हैं, इसका मिथ आप सभी को शेयर करने वाला हूँ। तो इस मिथ को करने के लिए सबसे पहले आप सभी को कोई बिल्डिंग या फिर किसी दीवार के पास आ जाना है, उससे थोड़ा पीछे हटकर और बोट को स्पॉन करा लेना है। उसका चीट कोड आप सभी को पता है 3001, ये टाइप करके डायल करेंगे अपने गेम में बोट स्पॉन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। बोट को स्पॉन कराने के बाद में दोस्तों आप सभी को ज़ॉम्बी मोड का चीट कोड एक्टिवेट करना है, उसका चीट कोड है 2030 2030, मतलब आपको 2-3 बार एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद में आप सभी को ज़ॉम्बी के पास जाना है, फिर वहां से आप सभी को दूसरे ज़ॉम्बी के पास जाना है, फिर तीसरे ज़ॉम्बी के पास, ऐसे कुछ आपको 10 संख्या में ज़ॉम्बी को इकट्ठा कर लेना है। जैसे ज़ॉम्बी आपके पीछे पड़ेंगे करेक्टर के, तो आप सभी को बोट की तरफ जाना है और बोट के अंदर बैठ जाना है। जैसे आप अपने गेम के इस बोट के अंदर बैठोगे फिर आपको एक
बार वापस बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद में जस्ट आपको वापस ली बोट पर बैठ जाना है। जैसे आप बैठोगे तो कुछ इस प्रकार से ये जो ज़ॉम्बी है वो आपका पीछा नहीं कर पाएंगे, और जैसे ये कुछ ज्यादा कोशिश करेंगे आपको किल करने के लिए, तो आपकी जो बोट है वो भाई अपनी सिटी के अंडरग्राउंड के वाले पानी में चले जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो फिर आप यहाँ पर आसानी तरीके से राइडिंग कर सकते हैं बोट की, जो कि काफी इंजॉयमेंट है। और यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हो तो अपने गेम का करेक्टर कुछ इस प्रकार से भाई पाताल लोक में चले जाएगा। यहाँ से फिर हमारा गेम ओवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लेयर अपडेट के बारे में कि आप सभी अपने गेम में इस मल्टीप्लेयर मोड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ कैसे प्लेइंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तो आप सभी अपने गेम में सिंपल तरीके से एंजॉय ले सकते हैं, मतलब अपने दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं ले सकते। दोस्तों के साथ आप एंजॉय तब ले सकेंगे तब इस गेम में मल्टीप्लेयर को ऐड कर दिया जाएगा, मतलब मल्टीप्लेयर ऐड हो जाएगा तो हम अपने दोस्तों के साथ एक टाइम में मतलब रियल टाइम में प्लेइंग कर सकेंगे और अपने इस गेम का एंजॉय ले सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अपने गेम में हमें कब तक मल्टीप्लेयर का ऑप्शन मिलने वाला है, क्या हमें आने वाले इसी न्यू अपडेट में मल्टीप्लेयर का अपडेट मिलने वाला है या फिर नहीं। तो दोस्तों हमें अपने गेम में मल्टीप्लेयर अपडेट के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लेयर को अपडेट में ऐड करने के लिए सबसे पहले इसमें फीचर ऐड होना जरूरी है। क्योंकि अगर मल्टीप्लेयर ऐड होता है तो हम अपने दोस्तों के साथ एक साथ में प्लेइंग कर सकेंगे, एंजॉय ले सकेंगे। और दोस्तों ऐसा नहीं हो कि जब अपने गेम में मल्टीप्लेयर को ऐड कर दिया जाए और गेम में काफी ज्यादा ग्लिच हो जाए, इससे गेम क्रैश हो जाए। तो दोस्तों इसीलिए अपने गेम में मल्टीप्लेयर के लिए थोड़ा वेट और करना पड़ेगा आप सभी को। सबसे पहले अपने गेम में बग ग्लिच इनको फिक्स किया जा रहा है, फिर मल्टीप्लेयर के फीचर ऐड होंगे, तब आप सभी को अपने गेम में मल्टीप्लेयर का अपडेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप सभी अपने गेम में मल्टीप्लेयर का अपडेट सबसे जल्दी ऐड करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको आने वाले अपडेट में मल्टीप्लेयर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा कमेंट करने हैं मल्टीप्लेयर ओपी। आपकी अच्छी कमेंट और अच्छी डिमांड होगी तो आने वाले अपडेट में आप सभी को मल्टीप्लेयर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा दोस्तों। अब आप सभी को बताने वाला हूँ आप सभी अपने गेम में ये पुलिस तार को कैसे ले सकते हैं, इसका चीट कोड शेयर करने वाला हूँ दोस्तों आप सभी को। हाँ तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है अपने गेम की रिसेंटली अपडेट के बाद में अब अपने गेम में हमें 3 थार देखने को मिलेगी। एक तो हमें जो कि न्यू अपडेट में ऐड की गई है सिंपल थार, वो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। एंड एक हमें देखने को मिलेगी मॉडिफाइड थार, वो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों तीसरी थार देखने को मिलेगी हमें मॉडिफाइड मोनेस्टर थार। इन तीनों का चीट कोड तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपने गेम के न्यू अपडेट के बाद में हम सभी अपने गेम में इस पुलिस थार को कैसे ले सकते हैं, इसका चीट कोड क्या होने वाला है, और अपने गेम में हम सिंपल मोनेस्टर थार भी कैसे ले सकते हैं, इसका चीट कोड क्या है। तो दोस्तों अभी तक अपने गेम में ना तो पुलिस थार ऐड की गई है, ना भाई न्यू थार का मोनेस्टर ट्रक ऐड किया गया है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में इसलिए बोला है, क्या आप सभी को अपने गेम में पुलिस थार अच्छी लगती है और अपने गेम में न्यू अपडेट में ऐड की गई न्यू थार का मोनेस्टर अच्छी लगती है, और आप सभी अपने गेम में ये दोनों को ऐड करवाना चाहते हैं पुलिस थार और न्यू थार मोनेस्टर ट्रक, तो आप सभी डिमांड रख सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, आपको आने वाले अपडेट में ये दोनों भी मिल जाएंगे। बस आप सभी को क्या कमेंट करनी है, पुलिस थार ओपी कुछ इस प्रकार से कमेंट करनी है, और न्यू थार का मोनेस्टर ट्रक को ऐड करवाना चाहते हैं तो न्यू थार मोनेस्टर ट्रक ओपी कुछ इस प्रकार से सबसे ज्यादा कमेंट करनी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपने गेम के आने वाले न्यू अपडेट में अब हमें कौन कौन से न्यू एनिमल मिलने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है रिसेंटली अपडेट में हमें न्यू डायनासोर देखने को मिले थे, तो आने वाले अपडेट में भी हमें कुछ न्यू एनिमल्स मिलने वाले हैं दोस्तों। तो वो कौन कौन से मिलने वाले हैं इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप सभी को। तो दोस्तों अपने गेम के आने वाले न्यू अपडेट में अब हमें ड्रैगन डाइनो मिलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये ड्रैगन डाइनो फ्लाई भी होता है एंड इसकी हम राइडिंग भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, चलो आपसे बात कर लेते हैं। और अपने गेम के अपडेट में रिसेंटली में हमें न्यू डायनासोर भी देखने को मिले थे, लेकिन दोस्तों हम उनकी राइडिंग नहीं कर सकते हैं अभी तक। क्या आप सभी भी अपने गेम में जैसे कि हम इस स्मॉल डायनासोर की राइडिंग कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप सभी भी बिग डायनासोर की राइडिंग करना चाहते हैं अपने गेम में, इस अपडेट को भी ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी डिमांड है तो आपको क्या कमेंट करनी है, बिग डायनासोर ड्राइविंग एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से कमेंट करनी है। और क्या दोस्तों अपने गेम के आने वाले इसी न्यू अपडेट में हमें ये एलिफेंट भी मिलने वाला है या फिर नहीं, और अपने गेम में ये ड्रैगन स्नेक भी देखने को मिलेगा या फिर नहीं, चलो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अभी न्यू अपडेट में कौन कौन से न्यू एनिमल्स एड किए जाएंगे इनको अभी सिलेक्ट नहीं किया गया है दोस्तों। तो आप सभी की क्या डिमांड है, आप सभी की क्या इच्छा है, आप सभी अपने गेम के आने वाले न्यू अपडेट में कौन सा न्यू एनिमल ऐड करवाना
चाहते हैं तो उसकी डिमांड रखो, जैसे कि एलिफेंट, लोयन वगैरह, टाइगर, कुछ जो भी ऐड करवाना चाहते हैं तो उसकी सबसे ज्यादा कमेंट कर दो दोस्तों, उसको ऐड कर दिया जाएगा आने वाले अपडेट के लिए। सो दोस्तों आप सभी को ये अपडेट वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को कर देना प्यारा सा लाइक, चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब। और हाँ, आने वाले अपडेट में और क्या नया ऐड होना चाहिए, आप क्या नया ऐड करवाना चाहते हैं तो उसकी भी जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप सभी से जल्दी नेक्स्ट अपडेट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू, टाटा बाय, टेक केयर ऑल।